Liquids have A, no specific heat, B, different value of a specific heat at a same temperature, C, only one value of a specific heat, and D, two distinct value of a specific heat. Hello dears, हम स्टडी कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 का है. एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स है. थर्मोडायनेमिक का ये क्वेश्चन है. इसमें पूछा है कि लिक्विड के पास स्पेसिफिक हीट होता है या नहीं, या फिर होता है तो डिफरेंट होता है या फिर सेम होता है. ठीक है, किस टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है, यानी कि ये टॉपिक जो है स्पष्ट है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के बारे में. स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, सो स्पेसिफिक हीट क्या होता है. ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है और स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए. तो यहां पे जनरली लिक्विड के लिए पूछा है, किसी भी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां पे देखते हैं कि लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है. सपोज करते हैं कि एक लिक्विड है. ठीक है, यहां लिक्विड के लिए पूछा है तो ये एक लिक्विड है. ठीक है, इस लिक्विड को हम सपोज कर लें कि ये वाटर है. ये क्या है, वाटर है. और इस लिक्विड का जो मास हम मान लेते हैं 1 ग्राम. ठीक है, इस लिक्विड का मास कितना है, 1 ग्राम. इस लिक्विड का कोई टेम्परेचर होगा 2 डिग्री सेल्सियस. ये प्रोसेस हो रहा है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटीएम. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस. और ये कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं. सो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका. अब इस लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, इस लिक्विड को, इस वाटर को हम हीट करते हैं, इस वाटर को हम अगर हीट कर रहे हैं तो इसका क्या है कि वाटर का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा. इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है तो प्लस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा. ऐसे तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि जब इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े. ठीक है, हीट करने पर, तो इसको हीट करने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितना हीट लगा, ठीक है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट है वो हीट कहलाता है स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, वो इस लिक्विड के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट. ठीक है, ऑफ लिक्विड. सो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. और यहां पे लिक्विड की बात की गई है तो लिक्विड ले लेते हैं. सो 1 ग्राम लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड. अब ये होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है m स्मॉल c डेल t. सो स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. डेल t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, m है मास और क्यू है हीट रिलीज और एब्सॉर्ब. हीट रिलीज और एब्सॉर्ब. तो यहां से सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा क्यू बाय एम डेल टी. ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू. अगर इसका यूनिट हो,
यूनिट देखना चाहते हैं तो यूनिट इसका हो जाएगा हीट के लिए जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया गया है कि लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है या नहीं, या कि ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो गया, क्योंकि लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। सो इसका अगर हम वाटर लिए तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है 4.2 जूल, ऐसे तो होता है 4.184 जूल, तो हम जनरली 4.2 जूल लेते हैं। सो या इसे भी रहने देंगे 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये होता है वाटर के लिए। तो ये वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। अगर कितना भी वाटर हो, ठीक है, वाटर 1 लीटर 2 लीटर या कितना भी वाटर हो, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ही होगा 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये चेंज नहीं होगा, ये मास पर डिपेंड नहीं। हाँ, अगर बात की जाती कि हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है, मास पर डिपेंड होता है। हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने किया क्या देखा कि 1 ग्राम सब्सटेंस को, देखिए 1 ग्राम लिक्विड को यहां पर रेज करने के लिए जो टेम्परेचर लगा वो हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन इन केस ऑफ हीट कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी में क्या होगा कि होल सब्सटेंस को जितना टेम्परेचर लगेगा रेज करने के लिए, हीट कैपेसिटी में क्या है, होल सब्सटेंस या होल लिक्विड, होल सब्सटेंस। सो होल सब्सटेंस को रेज करने के लिए, होल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितना हीट लगेगा वो हो गया हीट कैपेसिटी। तो ये मास पे डिपेंड है और इसका वैल्यू जो है चेंज होते रहेगा हीट कैपेसिटी का, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू एक ही रहेगा हर सब्सटेंस के लिए, या फिर कह सकते हैं हर लिक्विड के लिए भी। ठीक है, जैसे अगर हम कोई सब्सटेंस अगर ले लें कॉपर जैसे, तो कॉपर का होता है, कॉपर का शायद होता है 0.38 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है। ठीक है, और कॉपर तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब्सटेंस का ये कभी नहीं बदलेगा, ये इतना ही है फॉर कॉपर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिक्विड अगर वाटर के लिए है तो इसका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो इतना है ये चेंज नहीं होगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू एक ही होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू दो, ना ही दो होता है और ना ही डिफरेंस या कोई टेम्परेचर पे इसका वैल्यू बदलता है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर कि लिक्विड्स हैव ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। लिक्विड्स के लिए एक ही वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट के लिए। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।